तो फाइनली हमारे गाइडिंग का काम हो चुका है कंप्लीट। और मैं आपको बता दूँ इसमें हमने क्या क्या करा है। पहला तो देखो हमने स्मोक रैप करा है देख, और साइड पैनल पे भी स्टिकर पे स्टिकर पे खाली हमने रैप करा है। पीछे की साइड जो हमारे इंडिकेटर होते हैं दोनों साइडों के, इस पर भी हमने रैप करा है, इसको भी हमने स्मोक रैप किया है। इसमें सारे कलर है लगभग, वाइट भी है, रेड भी है, ब्लू भी है और मल्टी कलर भी है, और ये ब्लिंक भी करता है। हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सोहेल खान और उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस हम आज करने वाले हैं HF डिलक्स में मॉडिफिकेशन। आज हमारे पास आई है HF डिलक्स और इसमें हम करने वाले हैं टंकी का फुल लेमिनेशन, साइड के पैनल का लेमिनेशन, वाइजर का लेमिनेशन और इंडिकेटर के जो गिलास होते हैं वाइट वाले, इनको हम स्मोक करेंगे। और भी मॉडिफिकेशन होगा मैं आपको बता दूंगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इसकी कंडीशन देख सकते हो, ये कुछ इस तरह की है और इस पे एक भी स्क्रैच नहीं है अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि हमने इसके ऊपर पहले ऊपर ऊपर जो होता है ना ये स्टिकर से ऊपर ऊपर, इस पर हमने स्मोक रैप करा था और इसको भी हमने उतार के और इस पर पूरी टंकी पर लगाने वाले हैं हम। और इसकी हमने सीट वीट तो खोल ली पहले और इसकी अच्छी तरह से सफाई कर ली हमने। और इसका ये आगे वाला हेड वाइज़र है, इसको भी हम पूरा स्मोक रैप करेंगे और इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी इसके लगने के बाद में। इसके थ्री लेयर के अंदर आता है गाइस, हाँ। और ये चारों इंडिकेटर की इस पर ग्रिल लगी हुई ब्लैक कलर की, इसको हम खोल के और इंडिकेटर पर जो है स्मोक रैप करेंगे हम। और अभी फ़िलहाल तो इस पर इंडिकेटर पे जाली लगी हुई है ब्लैक कलर की। तो आप लोग देख सकते हैं टंकी पहले डस्ट वस्ट लगी हुई थी, तो हमने इसको एकदम क्लीन कर दिया है और इस पर अब लगने जा रहा है स्मोक रैप। और अच्छी तरह से इसको भाई बैठाएंगे और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको आप भी अपनी बाइक पर लगवा सकते हैं वैसे। एकदम फिनिशिंग वाला काम है और आप इसको लगवाओ तो पूरे टंकी पे एक पीस में लगवाना, ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है और ये लगता नहीं है कुछ टंकी पे कुछ लगाया हुआ है। ये देखो गाइस, काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है भाई का, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। इस बाइक की जो खड़े हैं ये, हाँ, इन बाइक की ये बाइक है और इनने पहले भी हमसे काम करवाया था, तो इनको काम काफ़ी अच्छा लगा इसलिए दोबारा हमारे पास आए हैं। और ये पूरी गाड़ी पे करवाएंगे, जैसे कि वाइज़र, टंकी, साइड के पैनल और इंडिकेटर वगैरह, बल्ब, तो काफ़ी लगभग पूरा काम कराएंगे भाई। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार भाई आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दो भाई, ताकि हमारे अंदर भी जोश बना रहे भाई आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाने की। और कमेंट करके बता देना अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाए भाई। ये देख सकते हो बाइक का लगाने का तरीका, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है और इसको हमने जो लगाने की जितना कोशिश करी उतना अच्छा काम करा है बाइक का। और ये पूरे नीचे तक देख सकते हो, नीचे किनारे तक एंड तक हमने इसका लेमिनेशन करा है। देखो इसमें कोई भी बबल नहीं, हमने इसमें नहीं रखे हैं, एकदम फिनिशिंग वाला काम करा है। ये देखो दूसरी साइड का भी अपना काम हो चुका है, लगभग हमारी टंकी पूरी रेप हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा बचा है जो कि हो जाएगा थोड़ी देर में और आपको हम दिखाएंगे। ये दूसरी गाड़ी की बैक लाइट मॉडिफाइड हो रही है इसकी, इसमें भी हमने इंडिकेटर के नाम लिखे हैं और इसमें बैक लाइट के बल्ब लगाया है। और इस पर आपको मैं बता दूँ क्या क्या लिखा भाई ने लाइट पे, ज़रा दिखाना भाई। ये कुछ इस पर ऊपर लोगो लगाया और नीचे यमराज लिखा है इसके ऊपर, यमराज, ओहो भाई। और इस पर इंडिकेटर पर नाम लिखा जाटव, भी लिखवा सकते हैं जाटव साहब। ये देखो भाई, और आगे भी कुछ भाई ने मॉडिफाइड कराया, आगे रावण और किंग का लोगो लगवाया और इस पर AK-47 का लोगो लगाया। और इधर भी आप देख सकते हैं इंडिकेटर की ग्रिल खुल रही है, ये खुलने के बाद इस पर भी रेप होएगा अभी थोड़ी देर में। ये देख लो भाई कितना गंदा निकला अंदर से, थोड़ा भाई साफ़ कर लेना इसको, है ना। हाँ
वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि मैं इसका सारा मॉडिफिकेशन आपको दिखा सकूं। और अभी टंकी की कटिंग हो रही है, ये देखो भाई टंकी कटिंग तो हमारी एक साइड की तो हो चुकी है और अब दूसरी साइड की करेंगे। हाँ भाई देखो हमने इसमें फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रखी है और इसमें अभी तक थोड़ा ये धुंधलापन आ रहा है ना, ये भी सब क्लीन हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर और आती है जो कि हम इसको कटिंग होने के बाद में भी उतारेंगे। ये देख लो ये दूसरी साइड का भी हमारा कटिंग हो चुकी है, ये देखो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है भाई। आप लोग इसको लगवा सकते हो बेझिझक होके, इसमें टंकी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एकदम। और जब भी आप इसको रिमूव करोगे तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, एकदम क्लीन निकलेगी टंकी बिल्कुल। देख लो आप टंकी का हमारा काम पूरा हो चुका है, अब इसकी एक लेयर उतारेंगे भाई। ये देख लो भाई, ये देखो। तो गाइस देख सकते हो आप लोग कितनी बेहतरीन वाली इसमें शाइनिंग आई है, लगने के बाद और भी मज़ा आ गया। ये देखो वाह भाई, आज निकल के आई है शोरूम से ऐसा लग रहा है मुझे तो भाई, देखो एहसास भी नहीं हो रहा इसमें कुछ लगाया नहीं लगाया हमने। ये देखो इसके काफ़ी जो स्टिकर बिल्कुल वाइट आते हैं, थोड़े हल्के डार्क हो चुके हैं। ये देखो मेरी शक्ल दिख चुकी है इसमें, देखो फिनिशिंग ज़बरदस्त आई है इसकी। आप इसको पूरी बाइक पे भी लगवा सकते हैं जैसे कि भाई लगवा रहे हैं अभी, ये देखो भाई। और पीछे का भाई इंडिकेटर के गिलास खोल लिए, देखो कितना गंदा हो रहा पानी से, धो लेना भाई इसको थोड़ा सा, साफ कर लो भाई इसको थोड़ा पानी से, उधर रखा पानी वहाँ से कर लो। देखो भाई अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो काफ़ी इंडिकेटर गंदा हो जाता है, और अभी आगे का इंडिकेटर का हमारा काम ही स्टार्ट हो गया। एक साइड का लगभग भाई ने कर दिया है ना, वही कर दिया ना ये, हाँ ये देख सकते हैं भाई लोग, एक साइड का हमारा इंडिकेटर हो चुका है, इसकी भी फिनिशिंग काफ़ी ज़बरदस्त आई है। ये देख लो इसके जो अपने इंडिकेटर के जो ग्लास बिल्कुल वाइट आते हैं तो हल्के डार्क हो चुके हैं, और हमारे जो टंकी के मैचिंग में थोड़े बहुत लगभग मिल रहे हैं ये, और इधर भी इंडिकेटर का काम हमारा चालू है। ये देखो इसके और ये इंडिकेटर पे अभी टैपिंग करेंगे। टैपिंग करने से भाई ये फ़ायदा होता है कि ताकि हमारे नीचे का जो बोल्ट होता है वहाँ से अंदर पानी चल जाता है और इंडिकेटर थोड़ा ख़राब हो जाता है पानी से, तो इससे पानी से ख़राब भी नहीं होगा और ये हटेगा भी नहीं, इसलिए इस पर टैपिंग कर दी है हमने। ये देख सकते हो, इधर देख सकते हो आप वाइजर का काम स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपको दिखाऊंगा वाइजर का काम पूरा होने के बाद में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इधर हमारा साइड पैनल का काम चालू है, दोनों पैनल पे रैप कर दिया है भाई ने और इसकी लेयर उतार रहे हैं। इधर टंकी के लिए सेफ्टी गार्ड लगा रहे हैं, इसको लगाने से भाई ये फ़ायदा होता है मैं आपको बता दूं, इसको लगाने से जो अपने टंकी ख़राब हो जाती है नीचे से जंग वंग पकड़ लेती है पानी के चक्कर में, तो इससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अपनी सीट इसके ऊपर रहेगी, टंकी पे स्क्रैच भी नहीं होंगे, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। ये देखो काम हमारा लगभग पूरा हो चुका है, इंडिकेटर भी हो गया, टंकी भी हो गई, हमारे साइड पैनल भी हो गए, और इसका वाइजर का काम थोड़ा भी बाकी है। ये देख सकते हो आप वाइजर भी लगभग हमारा पूरा हो चुका है, तो फाइनली हमारे गाड़ी का काम हो चुका है कंप्लीट। और मैं आपको बता दूँ इसमें हमने क्या क्या कराया, पहला तो देखो हमने इस पे टंकी पे पूरी टंकी पे हमने इस पे स्मोक रेप कराया, देख सकते हो नीचे तक एंड तक बिल्कुल सही तरीके से कराया, और साइड पैनल पे भी स्टिकर पे स्टिकर पे खाली हमने रैप कराया, पूरे पे नहीं कराया। और पीछे की साइड आ जाओ आप एक बार, पीछे की साइड जो हमारे इंडिकेटर होते हैं दोनों साइडों के, इस पर भी हमने रैप कराया, और आगे देख सकते हो आप
आगे चलो। आगे भी हमने इसका जो पूरा हेडवाइज़र होता है इसको भी हमने स्मोक रैप किया है, और इसके जो अंदर हेडलाइट का बल्ब है ये भी हमने चेंज किया है। देख लो आप, इसमें सारे कलर है, लगभग वाइट भी है, रेड भी है, ब्लू भी है और मल्टी कलर भी है, और ये ब्लिंक भी करता है। तो भाई लिखवा रहे हैं इनमें नाम महादेव सरकार। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।